तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड चॉकलेट केक, बच्चों का फेवरेट होता है। और देखें इसमें ना हमारी बीटिंग है, ना हमने कुछ बेक करना है, ना कुछ भी बेक नहीं करना, ना बीट करना है, और सिर्फ तीन चीज़ों से तैयार होगा। ये देखें मैंने दूध के अंदर कॉफ़ी डाल के, चीनी डाल के इसका बना लिया लिक्विड। दूध को पहले गर्म किया, उसके बाद जब हमने ब्रेड को करना है तो उसमें करना है ठंडा कर लेना है। चॉकलेट सिरप भी हमारा तैयार है, और वन बाय वन स्लाइस को हम दूध में पहले डिप करेंगे, फिर इसकी चॉकलेट सिरप की लेयर लगाएंगे। चॉकलेट सिरप बनाना है, गनाश में डलता है, कॉर्नफ्लोर सिरप में नहीं डलता। दूध, कोको पाउडर, वनीला एसेंस डाल के, चीनी डाल के इसको पका लिया मैंने, गाढ़ा कर लिया। अगर हल्के से लम्स लगे हैं तो आप इसको स्टेन कर लें या इसको बीट कर लें। मैंने थोड़ी सी व्हीपिंग क्रीम भी डाली, अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, वरना आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस को वन बाय वन दूध में डिप करेंगे और फिर इसके साथ कोटिंग करेंगे। दूध आपने गर्म नहीं लेना, गर्म दूध में कॉफ़ी मिक्स करके, चीनी मिक्स करके उसको ठंडा कर लेना है। ऐसे वन बाय वन स्लाइस रखते हैं, ज़्यादा डिप नहीं करना क्योंकि ब्रेड टूट जाती है जल्दी। और ऐसे हम सिरप लगाते जाएंगे इसके ऊपर वन बाय वन ब्रेड के स्लाइस पे। बहुत ज़बरदस्त मज़े का बनता है, इसको ठंडा करें, चील अच्छे से। ये देखें आखिरी स्लाइस पर मैंने कर लिए, जितना भी सिरप बचा है हम इसको स्प्रेड कर देंगे ऊपर। इसको साइडों से स्प्रेड जितना होगा उतना ही, जितनी चॉकलेट अंदर डिप होगी सिरप में उतनी अच्छी आपका जो केक है वो बनेगा। बहुत ज़बरदस्त बनता है, इजी है, ये बच्चियाँ आराम से बना सकती हैं, जिनको ना इनको कोई चीज़ बीट करनी पड़ेगी, ना बेक करनी पड़ेगा, ना कोई चूल्हे पे बनाना है। सिरप पहले से एक दिन पहले बना के रख लें। और ये देखें सिरप अगर बनाओ, मैंने आपको पहले बताया कि सिरप सेव करने के लिए बताया कि फ्रीज़र में मैं रख लेती हूँ आराम से, मैं कम से कम 15 डेज़ यूज़ कर लेती हूँ कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में मीठे में डालने के लिए, सिरप भी और गनाश भी दोनों चीज़ें। ये देखें ज़बरदस्त ये बना बच गया। अगर हम पहले देखें, अगर ये ब्रेड ने सोक कर लिया सारा सिरप, और वो हम फिर दोबारा उस पर स्प्रेड करेंगे, ये दूध हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, चाय में डाल लेंगे, कॉफ़ी वाली चाय बन जाएगी, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेरा बच गया और मैंने कम से कम 6 स्लाइस लिए हैं, आप लोगों की जितनी मर्ज़ी उतने स्लाइस आप ले सकते हैं। बच्चों को ये चीज़ें ऐसी आपको पता है बहुत पसंद होती है, मेरे घर में बहुत सारे स्वीट लवर हैं। ये देखें फाइनल लुक हमारे केक के ऊपर, थोड़ी सी मैंने टेट्रा पैक क्रीम में बस पड़ी थी, व्हीपिंग क्रीम पड़ी थी, वो मैंने थोड़ी सी बीट करके ऊपर डाल दी, स्प्रेड कर दी साइडों पे। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और थोड़ी सी ऊपर कॉफ़ी या कोको पाउडर जो भी अवेलेबल हो आप पर ऐसे एक हल्का स्प्रेड करें, बहुत ज़बरदस्त बनता है, बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। बच्चे से मेरे पास बैठे उन्हें यही जल्दी है कि मम्मा आप फाइनल लुक बाद में दिखाएं, पहले हमें कट करके दे दें। और मिनटों में इन्होंने भी चट कर जाना, मुझे पता है इनका, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्वीट लवर मौजूद हैं माशाल्लाह से, इनको मीठा बहुत पसंद है। मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें बेटे ने कहा कि पहले मुझे आप दे दें, मैं कैमरा आपका पकड़ता हूँ, आप पहले मुझे दें ताकि मैं पहले खाऊँ। देखें सिरप साइडों पे ऊपर डाल डाल के खाना बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना इजी केक, कोई इसमें वो कोई बड़ी टेंशन नहीं है, ज़बरदस्त बन जाता है बैठे बैठाए। बच्चियाँ आराम से बना सकती हैं, चॉकलेट दूध में कॉफ़ी चीनी हमने गर्म दूध में मेल्ट करके रख लेनी है, फिर उसे ठंडा कर लेना है, और चॉकलेट के स्लाइस हमने डिप करने हैं। सिरप पहले से बना लें, सिरप के लिए कोको पाउडर, दूध और चीनी है, उसको पका के गाढ़ा कर लेना। कॉर्नफ्लोर सिरप में नहीं डलता, सिर्फ गनाश में डलता है। ये देखें बिल्कुल जो सही केक होता है, कॉफ़ी केक भी कह सकते हैं इसको, जो बेकरी स्टाइल वाला है वो लग रहा है, लेयर्स की लगी हुई है ब्रेड की, बहुत अच्छी। ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, अभी देखें वीडियो फाइनल होने से पहले पहले केक ख़त्म हो जाना है, मुझे पता है इन सब का, सारे मेरे पास बैठे हैं वन बाय वन, एक ने लिया तो दूसरा कहता है मुझे भी दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें, प्लीज़ कमेंट भी किया करें, और मेरे चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका वो टेक्सचर है, सिरप मैंने साइडों पे इसलिए रखा है कि जैसे वो मोल्टन लावा केक वाली लुक आती है। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।